Hi friends, welcome. So in today's video, we will be watching Chhatrapati Sambhaji Maharaj case study. And it also says in Hindi, Aansu rok nahi paoge. So friends, I don't understand why do you send us such emotional videos, because if this is the case, then it will be very tough for us to control our tears. But hopefully we'll try the best. And let's go ahead and watch this video. आज एक ऐसे इंसान की बात करूंगा, हो सकता है आपकी आत्मा कांप जाए। एक बात कहूं, वीडियो पूरा देखिएगा अगर हिम्मत है आपने तो, और कोशिश करिएगा कि अंत में रोए भी ना। इनका नाम है छत्रपति संभाजी महाराज। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का वीडियो देखा था, ये उनके ज्येष्ठ पुत्र 1657 में इनका जन्म हुआ। बचपन से आखिर तक केवल संघर्ष। 2 साल की उम्र में ही इनकी माता का देहांत हो गया। माँ जीजाबाई जो छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ थी, यानी कि इनकी दादी, उन्होंने इनको पालन पोषण किया। सोचता हूँ कहाँ से शुरू करूं और कहाँ लेके जाऊं। अद्भुत बालक जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता लगना जरूरी है। 13 साल की उम्र तक 13 भाषाएं सीख चुके थे। 13 साल की उम्र तक संस्कृत के विद्वान पंडित, सारी रीजनल भाषाएं, भारत की भाषा, अंग्रेजों की भाषा, मुगलों की भाषा, साउथ इंडियन लैंग्वेज, सारी डेक्कन भाषा, कई शास्त्र लिखा नहीं, ध्यान दीजिएगा, शास्त्र पढ़ डाले नहीं बोल रहा। 13 साल की उम्र तक 13 भाषा और कई शास्त्र, बुद्ध भूषण और नक्षिका जैसे वो शास्त्र, और कई शास्त्र जहाँ पे इन्होंने अपने रायगढ़ के किलों की बात करी। गणपति का बहुत सुंदर गुणगान किया। हॉर्स राइडिंग, आर्मरी, तीरंदाजी और बॉडी बिल्डिंग, इन सब में तो इतने पावरफुल थे एक्चुअली ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है शस्त्र और शास्त्र दोनों के। जो बच्चा या जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ने में बड़ा एक्सपर्ट हो जाता है ना, पर उससे शस्त्र उठता नहीं, और जो शास्त्र उठा लेता है वो शास्त्र पढ़ने में निपुण। अद्भुत बाल साहित्यकार, जो साहित्य पढ़ता भी था और साहित्य लिखता भी था। हुआ क्या, बुद्धि और बल दोनों बढ़ गया। 60 किलो की तलवार लेके 16 साल की उम्र में पहला युद्ध रामनगर का जीता। छोटा बच्चा होता है ना, उसका मन होता है कि पिता के साथ समय बिताए, पर पिता उस समय मुगलों से लोहा लेने में व्यस्त हो चुके थे। लेकिन एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने, अभी ये 9 साल के थे संभाजी महाराज, इनको क्या बोले, मेरे साथ चलो, आगरा जा रहा हूं मैं, वहां के मुगल शासक औरंगजेब से मिलने, और घोड़े में बैठा के 1250 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, घोड़े में 1250 किलोमीटर, 9 साल का बच्चा पिता के साथ पीछे बैठ करके पहुंच गया आगरा। आगरा में क्या हुआ ये देख के हैरान हो गया छोटा सा बच्चा। वहां मुगल सल्तनत के राजा उस समय जापाना, क्या किया, इनकी पहले जो बेइज्जती करी, उसके बाद इनको कारागृह में बंदी बना दिया। ये बच्चा घबराता नहीं था, ये करे जितना था कि वही बैठ के सोचने लगा, नो रीजन, कैसे पिता को निकालूं, कैसे ये पकड़े गए, पकड़ लो। पिता को बाहर निकाला, कुछ दिनों के बाद खुद भी वहां से गायब हो गया, रायगढ़ पहुंच गया। 10 साल की उम्र में इसको महाराज ऑफ आमेर के पास भेज दिया गया कि कैसे पॉलिटिकल अलायंस को और समझ सके। यही 2 इंसिडेंट इसके लिए बहुत हो गए थे कि कैसे ये समझे, और उसके बाद तैयारी करने लगा। हर सफल शासक के पास कोई ना कोई बुद्धिमान सलाहकार जरूर रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पास चाणक्य पंडित थे, जिन्होंने धनानंद के सारे साम्राज्य को उखाड़ा था। ठीक इसी प्रकार इन्होंने उज्जैन के कवि को, कवि कलश, उनको अपना सलाहकार, एडवाइजर, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड बनाया, जो अपनी कविताओं के माध्यम से इनकी विचारधारा को तैयार किया करते थे, इनकी सोचने की क्षमता, इनके बैरियर्स को खत्म करते थे। वो उनके ऐसे महान इंटेलिजेंट एडवाइजर थे जो हमेशा इनके कवि कलश को हमेशा अपने साथ रखते थे। पिता भी युद्ध लड़ने में बिजी थे, इन्होंने 19 साल की उम्र से पिता के पीछे से अपने रायगढ़ के किले को संभालना शुरू कर दिया। 23 साल की उम्र में 1681 में पिता छत्रपति शिवाजी महाराज वीर मराठा, उनका देहांत हुआ। इन्होंने 1 मिनट समय नहीं देर गवाया, तुरंत तैयारी करी। तुरंत क्या तैयारी करी, औरंगाबाद में औरंगजेब का सबसे बड़ा किला, और ये सोचने लगे कि हमारे पास आज धन की तो कमी है, और अगर इसके किले को पहली बार में मैं उखाड़ दूं, इनका धन घटेगा, मेरा बढ़ेगा, डबल बेनिफिट। औरंगाबाद की इस बड़ी लूट और बड़ी हार ने औरंगजेब को एकदम हैरान कर दिया। औरंगजेब ने सोचा भी नहीं था कि 23 साल का जो बच्चा है ये ऐसा कैसे कर सकता है। और उसने अपने हुसैन अली खान नाम का अपना सबसे बड़ा जनरल, उसको 20,000 हाथी और सैनिकों के साथ, घोड़ों के साथ, पशुओं के साथ भेजा कि इसको खत्म कर। हुसैन अली खान बोला कि 2 दिन में खत्म कराऊंगा, 2 दिन में खत्म हुआ।
लीडरशिप बड़ी पावरफुल थी, मराठा इकट्ठे हो गए और हुसैन अली खान को एक साल लगा कुछ नहीं कर पाए, कई बार उसको मारा, इसने उसको वापस बुलाया और 1680-81-82 कई दफा अटैक कराया। अच्छा एक भी लड़ाई नहीं, एक बात बताएं आपको, पूरे इतिहास के अंदर शायद छत्रपति संभाजी महाराज ही अकेला ऐसा योद्धा रहा होगा हमारे देश से जिसने 9 साल के अंदर 120 लड़ाइयां लड़ी लेकिन एक भी नहीं हारा। और हमने पूछा पूरा नॉर्थ तो मैं जीत चुका हूँ, अब तो केवल डेक्कन बाकी रह गया है। डेक्कन समझते ना, जो उस समय का जो दक्षिण था अहमदनगर से नीचे लेके जो आज का केरला कर्नाटका तमिलनाडु आंध्रा हैदराबाद जितना भी आज पूरा देखते हैं महाराष्ट्र मिला के, वो सोचा कि बस ये डेक्कन जीतना बाकी रह गया है। तो वो महाराष्ट्र की तरफ जब बढ़ने लगा तो वहीं औरंगजेब ने एक ट्रीटी साइन करने की कोशिश करी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोशिश किया पुर्तगालियों के साथ गोवा में, ताकि समुद्री रास्ते से उनको एक और सपोर्ट मिले, उनके आर्म्स एमिनेशन मिडिल ईस्ट से आ सके। औरंगजेब बहुत तेज था, बोला सोचा नॉर्थ से पहुंच लूंगा, पोर्चुगीज लोगों को साथ रखूंगा, साउथ से और निकालूंगा, तीनों चारों दिशाओं से खदेड़ के खत्म कर दूंगा, ये तो छोटा सा बच्चा है। इन्होंने जैसे ही पता चला संभाजी महाराज को, सबसे पहले ये गोवा में घुस गए, गोवा में जाकर के इन्होंने पोर्चुगीज को तो उखाड़ उखाड़ के बहुत फेंक फेंक के मारा और ये वापस आए, उसके बाद फिर लड़ने की तैयारी करी। मेरे हिसाब से छत्रपति संभाजी महाराज की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में एक अचीवमेंट तो ये रही कि उन्होंने 9 साल तक औरंगजेब को मराठाओं के बीच में घुमाता रहा। औरंगजेब को औरंगजेब एक्चुअली नॉर्थ छोड़ के यहाँ आ गया और मराठाओं के बीच में इतना घुमाया, 8,00,000 की सेना इनकी 20,000 की सेना, उन्होंने मराठाओं को इधर से मार उधर से मार इतनी लड़ाइयां लड़ी, एक बार भी औरंगजेब जीत नहीं पाया। अच्छा हुआ ये क्योंकि इनको यहाँ बिजी रखा ना, जरा ध्यान दीजिएगा, तो उधर नॉर्थ में डेक्कन में बिजी रख करके उधर नॉर्थ में पंजाब के अंदर बुंदेलखंड के अंदर राजस्थान के अंदर स्वदेशी संतनते वापस तैयार हो गई। उधर 9 साल का गैप मिल गया ना, तो 9 साल के अंदर स्वदेशी ताकतें फिर खड़े होने लगी, हमारे देश के हिंदू राजा वापस आए मुगलों से लड़ने के लिए, ये इसको गोल गोल घुमाते रहे, इतना गोल गोल घुमाया कि पूरे भारत को जीतने का गोल हाथ से छू गोल घूमा, गोल नहीं पूरा हुआ। वो कहां रुकने वाला था, उसने नई पर खीबरे लगानी शुरू कर दी, नीचे से सिद्दीस को साथ में लिया, मैसूर के राजा को अपने साथ मिलाया, पुर्तगालियों को फिर ताकतवर बनाया, चारों तरफ से घेरने की कोशिश करी मराठाओं को, लेकिन ये उम्र से तो छोटे थे लेकिन उम्र इनके लिए कोई बड़ी बात थी नहीं, ऐसे करेजियस कॉन्फिडेंट पावरफुल इन डिसीजन मेकिंग लीडरशिप बड़ी अद्भुत, उम्र से काफी आगे चल रहे थे, इनोवेशन बिल्ड करने शुरू कर दिए, चूंकि धन पैसा कम था तो उन्होंने क्या किया, अपने इलाके के सारे मोचियों को और दर्जियों को इकट्ठा किया, उनको बोला आओ पेड़ से ना रबड़ का कपड़ा बनाओ और लकड़ी की छालों को निकाल के तीर बनाओ, रबड़ के कपड़े को उसके आगे लपेट दो, एक तरफ तेल लगाओ दूसरी तरफ बारूद लगाओ, रबड़ का कपड़ा जल्दी जलता नहीं है और तेल जला करके तीर को छोड़ दो, जैसे ही जाके निशाने पर टकराएगा उसका जो गन पाउडर है बारूद विस्फोट करेगा, भयंकर तबाही मचाएगा। नए नए इनोवेशन लेके आए, मैं बोल रहा हूँ ना बुद्धि से बहुत तेज थे, औरंगजेब को भी तो मानना पड़ेगा ना, हारते थे मार खाते थे फिर खड़े हो जाते थे लड़ने को, हारते थे मार खाते थे फिर खड़े हो जाते, और अकेले नहीं करते थे, लोगों को साथ में लेके मराठाओं को घेरने में, ये चिक्कादेव राय नाम का एक राजा था जो इनके साथ पूरी तरह मिल चुका था, इसने क्या किया, छत्रपति संभाजी महाराज ये सबको बोल दिए, एक ने भी अगर औरंगजेब के धर्म परिवर्तन के मिशन में मदद करी उखाड़ के सारी नस्लें खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मराठा हूं मैं, अपने देश के लिए काम करता हूं। और वो चिक्कादेव राय के बाद पुर्तगालियों को सिद्धियों सबको खत्म करते चले गए। सबसे एक बात ना औरंगजेब की समझ में आ रही कि ये जो लड़का है ना इसको मार नहीं सकते, इसको हरा नहीं सकते, संभाजी राजे भोसले 9 साल तक इनको पीटते रहे मारते रहे, समझ में आ गया औरंगजेब इसको नहीं हरा सकते, सामने से तो नहीं लड़ सकते, कुछ और क्यों ना करें। ओह नो। और वहीं इनके जो साले साहब थे ना, जो इनकी पत्नी के भाई संभाजी राजे भोसले की पत्नी के भाई, वो उनको इन्होंने वेतनदारी देने से मना किया, इसकी खबर लग गई, तो वही 1689 का समय गणोजी शिर्के ने ये एक ना किसी गुप्त मीटिंग के लिए अपने पार्टनर जो उनके कवि कलश उनके साथ कहीं गए थे संगमेश्वर में, और वहीं गणोजी शिर्के ने इनके एक जनरल को आर्मी के औरंगजेब के उसको बता दिया कि ये गुप्त रास्ते से जाओ इनको आप खत्म कर दो, और वो लेकर के मामूली से 2,000 लोगों को लेकर पहुंच गया इनको पकड़ने के लिए, 8,00,000 लोग तो हरा नहीं पाए, इनको पता था नहीं हरा सकते, 2,000 से हारना पड़ा, क्यों, क्योंकि धोखा है, गणोजी शिर्के बेईमान हो गए, अपना परिवार का इंसान बेईमान हो गया,
हाँ, हमें तो गनो जी शिर्की ने लूटा, औरंगजेब में कहा दम था, अपनी कश्ती वहां डूबी जिधर पानी कम था। गनो जी शिर्की ने वो गुप्त रास्ता औरंगजेब के जनरल को बता दिया। ये लेकर के सिपाही सेना वहां जाके पहुंच गए, निहत्ते जाकर के उनको पकड़ लिया, कब्जा लिया, साथ में कवि कलश और इधर छत्रपति संभाजी महाराज दोनों करते क्या ना करते, 8 लाख लोग मिलकर के नहीं इनसे लड़ सके। चोरी से इनको जाके पकड़ लिया। औरंगजेब अंदर तक खुन्नस खाया हुआ था संभाजी महाराज से। कवि कलश संभाजी महाराज को लेके ऊंट से उल्टा टांग दिया, उल्टा टांग के पूरे शहर में घुमाया, बहुत मारा पीटा, लोगों को बोला इन पे मूत्र त्याग हो, इनको मारो। उसके बाद बोला के बोला 3 प्रश्न, मराठा किंगडम मेरे हवाले कर दो, ट्रिब्यूटरी प्रिंस बना दूंगा, जो सोना गहना छुपाया चोरी किया है मुझको वापिस कर दो, और किसने तुम्हारी मदद करी उसका नाम बताओ, तीसरा अपना धर्म परिवर्तन कर लो, ये 3 काम कर लो आज ही जीवित बचोगे और मेरे साथ रहोगे, ताकतवर बना दूंगा तुमको। संभाजी महाराज और कवि कलश की आंखों में इतना सा भी डर नहीं था। उसको बोले कि मैं मराठाओं की जमीन तुम्हारे नाम नहीं करूंगा, अपने धर्म का बलिदान नहीं करूंगा, 1000 बार मारो, अगली बार फिर जन्म लूंगा, अपने ही धर्म में लूंगा, रुका नहीं। और दोनों ने अन्न जल का त्याग कर दिया और शरीर को लेकर सुन्न हो गए, उनके नाखून उभारते चले, आंखों में मिर्चियां डालते चले गए। उसके बाद जलती सलाखें लेके आंखों में डालते वक्त पूछा, उसको भी डाल, ओह गॉड, ये शांत खड़े रहे, पीड़ा बहुत हुई लेकिन ये नहीं बोले अच्छा छोड़ दो, माफ कर दो, उंगलियां काटने शुरू करी, ओह माय गॉड, काटे हाथ काटे, बालों को उखाड़ दिया, वो हल किया, उसके बाद ये खाल उतारने लगे। 3 प्रश्न, अपना धन दे दो, जमीन दे दो, धर्म परिवर्तन कर लो, ये सुन खड़े रहे वहां पे। ये दर्दनाक सिलसिला चलता रहा, औरंगजेब रोज शाम को आके उनसे पूछता था बता दो बता दो, और आखिरी में बोला कि मैं तुम्हारे आगे हार मान गया, मेरी 4 संतानें, अगर मेरा 1 भी बेटा तेरे जैसा होता ना संभाजी महाराज पूरे देश को मुगल सल्तनत बना देता, इस देश को भारत वंश को मुगल सल्तनत बना देता, तेरे आगे मैं हार मान गया, काट डालो टुकड़े कर दिए उनके, बाघ रखने के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको बोला नदी के पास फेंक दो। समस्त मुगल राजाओं में औरंगजेब एक अमानवीय इनह्यूमन राजा था। बहरहाल मौका मिल गया सारे मराठाओं को एक होने का, उन्होंने शरीर के टुकड़े उठाए शंभूजी महाराज के, उनको सिर के उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन अब हर घर महल बन गया, हर औरत सेना में आ गई, हर पत्ता तीर बन गया, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, सारी मराठा कम्युनिटी एक हो गई, और उसके बाद दोबारा युद्ध छेड़ा गया, खत्म हो गया दक्कन का सुल्तान बनने का उसका सपना, कुछ ही साल के अंदर वही दक्कन की भूमि में मारा गया, वही खत्म हो गया, औरंगजेब देश को नहीं जीत पाया। गर्व है मुझे कि मैंने जन्म लिया ऐसे देश में जहाँ वीर मराठा संभाजी महाराज का जन्म हुआ, पर दुख है मुझे कि देश आज ऐसे वीरों को भूलता चला जा रहा है, आज मेरी आपकी हर मराठा की और पूरे देश की जिम्मेदारी है कि इनकी कहानी पूरे देश को पता लगनी चाहिए। माय गॉड, दिस वाज रियली इमोशनल एंड आई मीन इट शोज यू नो हाउ बैड एंड इविल एंड क्रूअल मुगल्स वर, and what is shocking to me is I have not studied this in history. When I did my studies in India, none of the history books actually showed this kind of cruelty or talked about it at all in the books, right? And I mean, nobody said that Aurangzeb was like a bad king. I had never read it in history books, so that is one thing which is off, where they need to fix the history books. It is true that when Mughals were conquering, Maratha Empire was the only empire that first came and gave, you know, fought with them, and then finally rest of the other, you know, empires came up, like the, you know, the Sikh Empire and the other empires, and finally the Mughals were almost beaten, and then the British came. But the point was that even I am surprised, like he is saying a great thing, that Shivaji was great, but his son was also great. Now nobody, I think he was much more greater than Shivaji. We only knew that Shivaji was a great person. I don't think I even read anything about Sambhaji in any of my history books. It's not a comparison thing, but I mean, Shivaji was a great person,
because he came up with the guerrilla warfare, in the sense that there were less money, there were less people, and how they were beating and defeating everyone. So, and his son was fantastic, and we have never read this in the history books. I don't remember opening a history book and say, okay, we are going to talk about the, you know, Maratha Empire, and this book is dedicated to that, or these are the great things. Chapters, and, at least chapters should have been dedicated. And there was nothing like, okay, now we are going to talk about the bad things in Aurangzeb. I don't remember reading anything about bad things. Nobody, like, he's very straightforward telling that he was one of the most corrupt and cruel. He's not even cruel, human, I would cruel, say. Cruel kings, and that should be in the history book. Yeah. So when things are being fixed in India with Mr. Narendra Modi, you know, a good politician, then they should fix the history also, so that to tell the truth. To the kids who are to ask today's exactly, generation. They need to know it. Yeah. So historians need to fix the books, show the reality, highlight what were the great points, focus on the history that is important for India. Similar to over here, when you come to the US, you read all about Western civilization, you read about what happened in America first. You read about the Civil War. The focus is telling you about America. Same thing in Indian history. The focus should be telling about what happened in India. What was the good things in India. What really happened. The brave people of India. Brave people of India. And that is absent. So this is a very good you know, video that shows all these things. Yes, definitely. And as it said, ki, you know, you will not be able to control your tears. The ending, looking at the torture that they did, it is very, very bad. Nobody can even think of doing such a thing to another human being. And in that video, when he said, you know, I wish I had, out of my four sons, one of them was like you, I thought you got, at that point, I thought he's got some senses back and he's going to, you know, respect them and leave them with respect. Say, I'm going to go ahead and release you. But at the next step, when he said, you know, cut them into pieces, I mean, what person can do that? This shows that he's cruel. He was an evil king. I think evil. That should be put in the history books that he was an evil guy. Yes. That is what he did. Enemy is okay, but enemy is an enemy. You know, you don't cut the enemy. You know, I mean, so you treat the enemy with some respect, and that is what exactly. So it was really, I mean, kind of barbaric. Behavior on part of him. I can't even imagine how somebody can take that much torture. Oh yes, you know, putting the, you know, breaking the eyes, I mean, putting something across the eyes, and, you know, cutting their body parts, and taking out the skin. I mean, all that. In spite of doing so much, they did not agree. That is superhuman strength. That means he was really, really a brave man. Yeah. And I mean, look at the amount of torture that was done to him, but he still did not give up. I mean, a normal human being with such force, if you know, even little bit of that, if just removing your nails, the person would say, okay, I'll convert my religion, or, you know, and I'll do whatever this, you whatever say. Whatever you say. But look at the person, his willpower, that, you know, I am not going to change my religion. I didn't know they were trying to forcefully make people change their religions too. Right. I mean, it's up to a person whether they want to change their religion or not. Yeah. But forcing someone with such degree of torture, no sane person is going to do it. Right. But once again, friends, this is an eye-opening video. And as we said, I did not know about such cruelty that was done by Mughals. And definitely this needs to be in the history books, in chapters for the kids to read, so they know about it. I don't know why we are sugarcoating things and hiding facts, but this needs to be there. And once again, thank you to all of you who recommended this video, though I would really request you, please don't send these, because it really, you know, touches and it makes you cry. I mean, they're good ones, but I don't think I can take them. I mean, them. By listening to this, you know, people think about how their life is difficult. Look at how difficult life his life was, right? So, I mean, you need to keep some comparison to look at his life, you know, how strong he was. In spite of that, how his life was full of so many tensions. Oof. And since childhood. Right, and we have a little bit of tension and we say, hey, my life is bad. Look at his life. Yeah. And still he was so strong. I mean, these are the people who eventually, you know, they merge with God. Yeah, they merge with God. They kind of
get free from the cycle of love and death. Yeah. I mean, life and death. So fantastic, I think. Fantastic video and a lot of knowledge in this. Yes, guys. So, okay, guys, we'll take your leave and we'll come back with another video soon. Till then, take care and bye-bye. Oh, and if you're new to my channel, don't forget to hit that subscribe button and hit the bell icon so it notifies you when I put in my new video for you to enjoy. Bye.